भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। भारत टीवी आप पहुंची है नूह में और नूह में ट्रैफिक पुलिस वाले ये जो दिल्ली अलवर हाईवे पर जितने भी अवैध तरीके से वाहन खड़े होते हैं उनका चालान कर रही है। चालान इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि पीछे से ऑर्डर्स है। इसके अलावा जो ये रोड पर अवैध तरीके से वाहन खड़े कर दिए जाते हैं इनकी वजह से बड़े बड़े एक्सीडेंट होने की आशंकाएं लगातार बढ़ती चली जाती है। अब ऐसे में ट्रैफिक पुलिस पूरी तरीके से जिम्मा उठाया हुआ है कि जो अवैध तरीके से यहाँ पर इन वाहनों को खड़ा कर दिया जाता है जिनसे ज़्यादातर एक्सीडेंट की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, इसलिए इनका चालान किया जा रहा है और उन लोगों को एक प्रकार से संदेश भी दिया जा रहा है कि भाई आप रोड पर इस तरीके से वाहन खड़ा ना करें। पूरा स्टाफ ट्रैफिक पुलिस वालों का हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये अभियान कब से चलाया हुआ है और ये अभियान कब तक चलेगा। इसके अलावा इस अभियान से कितना फर्क यहाँ पर पड़ रहा है और किस तरीके से अब तक कितने चालान किए गए हैं वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। मैं कहूँगा कैमरामैन से एक बार पूरी तरीके से दिखाए कि जो ये वाहन यहाँ पर खड़े हुए हैं यही वो वाहन है जो आए दिन एक्सीडेंट का कोई ना कोई रूप धारण कर लेती है जिनकी वजह से एक्सीडेंट की ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ये वो जवान हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं धूप में और इन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या वास्तव में इन लोगों की मेहनत रंग लाती है कि नहीं लाती है। क्या वास्तव में जो ये ड्राइवर्स हैं ये लोग इस बात को समझ पाएंगे या नहीं कि इस तरीके से चालान इस तरीके से अवैध तरीके से गाड़ी रोड पर खड़ा करना कितना सही है कितना गलत है। इंचार्ज साहब हमारे साथ हैं, उनसे हम लोग बातें करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि यह अभियान कब से कब तक चलाया जाएगा और इस अभियान के तहत कितनी जागरूकता लोगों के बीच में आ रही है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए धर्मवीर जी। ये बताइए जो अभियान चलाया जा रहा है ये अभियान कब से कब तक चलाया जाएगा और क्या संदेश दे रहे हैं आप लोग? ये जब तक चलाया जाएगा जब तक ये गाड़ियां यहाँ खड़ी करने से बाज नहीं आएंगे उस समय तक ये जारी रहेगा। अच्छा। उसके बाद ये है कि यहाँ एक्सीडेंट वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, रोड ब्लॉक हो जाता है, तो अफसरों के भी हमारे डीसी साहब एसडीएम साहब की तरफ से भी ये आदेश हैं कि भाई रॉन्ग पार्किंग के ज़्यादा से ज़्यादा चालान किए जाएँ। रॉन्ग पार्किंग के जो ये रॉन्ग पार्किंग खड़ी करते हैं ये यहाँ रोड पे ना खड़ी करें, कहीं भी अपनी जगह निश्चित कर लें या डीसी साहब से मीटिंग करके अपनी जगह निश्चित कर लें या अपना सर्विस रोड पे गाड़ियाँ खड़ी करें। ये अभियान कब से चलाया जा रहा है? नहीं ये तो चल रहा है, पहले से ही चल रहा है और ये चलता रहेगा, चलता रहेगा जब तक ये मानेंगे। चालान के साथ साथ क्या मतलब संदेश दे रहे हैं लोग, क्या समझा रहे हैं? उनको यही समझा रहे हैं कि आप रोड पे गाड़ी ना खड़ी करें, आप साइड में कहीं गाड़ी खड़ी करके अपना काम करा लें या आप अपने डीसी साहब से एसडीएम साहब से मीटिंग करके अपनी जगह चिन्हित कर लें और अपनी उस जगह में खड़ी करके अपने आप काम कराइए। चालान आप लोग हर रोज करते हैं इसकी गाड़ी खड़ी करके? इसके रॉन्ग पार्किंग हम 10-15 चालान रोजाना इस पे रोड पे करते हैं ये नूह के अंदर। 10-15 आप लोग चालान कर देते हैं, कोई फर्क पड़ता ही नहीं पड़ता है? हाँ फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। अब देखो रोड को आप खाली है, खाली है, अब हमने 10-15 चालान किए हैं रोड खाली है बिल्कुल अब, और उसके बाद ये दोबारा फिर खड़ी कर देते हैं, कोई कहीं से आ रहा है कोई कहीं से आ रहा है, पता नहीं होता इन लोगों को, उनको फिर हम चालान करते हैं, उनको फिर हम समझाते हैं, दुकानदारों को भी हम समझाते हैं रोड पे टायर नहीं लगाएं, रोड पे कंप्रेशन ना रखें, तो इनको भी हम समझाते हैं। अवैध पार्किंग का जो जिम्मा है वो जाता है पीडब्ल्यूडी का भी जाता है, वहाँ की तरफ से कोई रिपोर्ट किस तरीके कोई सहयोग वगैरह आपको मिल रहा है? नहीं उनकी तरफ से मिल तो रहा है, एडीसी साहब ने भी मीटिंग ली थी और उसमें एडीसी साहब ने एक्शन साहब को कहा था, तो मैं भी उसके बाद जेई हैं जावेद जेई है, एक और है क्या नाम है उनका, तो उनसे मैं मिला हूँ, एक अडवर चौक से और इधर अपना अलवर साइड में टी पॉइंट ये जो नू है यहाँ तक है, एक अपना अडवर चौक से और उधर अपना रोज का मेव तक है, तो इनसे भी मैं मिला हूँ, उनसे भी मैंने कहा है कि बाब अब इन सामान को ये जो ये रखे बैठे हुए हैं इनके सामान को हटवाइए और इनको हिदायत दीजिए भाई यहाँ सामान ना रखें ताकि गाड़ियाँ यहाँ ना खड़ी हों। इससे पहले भी पीला पंजा यहाँ पर चला जो अवैध तरीके से लोगों ने आगे बढ़ा रखी थी दुकानें, हाँ वो हटा दी गई, वो हटा दिए हैं, वो बाकी फिर स्टार्ट कर दिए उन लोगों ने, फिर रख लिए हैं। हाँ हाँ फिर रख लिए। लोग सुनते हैं कि मानते नहीं हैं? मानते नहीं हैं लोग, सुनते हैं उस समय हटा लेते हैं जब हम आते हैं, जैसे कि हम अभी आ रहे हैं तो इन लोगों ने अपने चालान भी किए हैं और कुछ लोगों ने गाड़ियां अपने आप उससे पहले हटा भी लिए हैं क्योंकि सभी गाड़ियां को हम एक साथ काबू नहीं कर पाते हैं। कितने जवान लेके घूम रहे हैं आप अपने साथ में, कितने लोग हैं जो आप अपने साथ? हमारे 8 आदमी हैं हमारे साथ जवान जी। अभी तक कितना चालान किया है?
मैं अभी ये स्टार्ट ही किया था, रात को नाइट डोमिनेशन था और इस वजह से अब लेट ही आ जाए थे, नहीं सुबह टाइम से ही आ जाते हैं। ये धर्मवीर जी थे जिनसे हमने बातें की, क्योंकि इन्हीं के अंडर 8 लोगों की टीम गठित की गई है और ये लोग पूरी तरीके से देख रहे हैं कि जहां पर भी अवैध तरीके से वाहन लगाए जा रहे हैं उनका चालान किया जा रहा है। इसके साथ ही ये लोग संदेश भी दे रहे हैं, जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप अवैध तरीके से ऐसे वाहन पार्क करेंगे तो उनका चालान किया जाएगा और इसके वजह से एक्सीडेंट की संभावनाएँ ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या वास्तव में जो संदेश दिया जा रहा है उस पर अमल होगा या नहीं। इसके अलावा जो चालान हो रहे हैं उन चालान के जरिए कितना वो लोग सबक लेते हैं ये वक्त बताएगा, और वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफीज के साथ मिर्जवान खान, भारत टीवी, विवाद नूह।